हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में और हम आज मिल रहे हैं SDS लेक्चर सीरीज़ में और मैं हूं डॉक्टर SD सुतरिया। हम बात करने वाले आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिसिपाइन सिंथेसिस, हमने आगे भी एक वीडियो देखा हुआ है जो अल्कलॉइड्स के बारे में था। अल्कलॉइड्स के अंदर ऑलरेडी हमने दो वीडियो बना दिए हैं, मीन्स जो दो लेक्चर कंप्लीट हुए, ये थर्ड नंबर का लेक्चर है। तो थर्ड नंबर के लेक्चर के अंदर हम रिसिपाइन सिंथेसिस के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो प्रॉपर सिंथेसिस है वो कैसे होती है और उसका जो स्टेप क्या होते हैं वो हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सिलेबस दिया हुआ है जो MSc सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए हैं, जो HNG यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। उसमें 5 अल्कलॉइड्स दिए हुए हैं। उसमें फर्स्ट नंबर टॉपिक है रिसिपाइन, सेकंड नंबर है कॉल्चिसिन, थर्ड नंबर है स्ट्रिचनाइन, फोर्थ नंबर है मॉर्फोलिन एंड फिफ्थ नंबर है नार्कोटिन। तो ये जो 5 अल्कलॉइड्स है उसमें से पहला अल्कलॉइड्स हम आज कंप्लीट करने वाले हैं और नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे उस वीडियो लेक्चर में हम ये जो बाकी के सारे अल्कलॉइड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो रिसिपाइन सिंथेसिस दो तरह से होती है, एक शॉर्ट सिंथेसिस है, एक लॉन्ग सिंथेसिस है। तो हम पहले शॉर्ट के बारे में बात करेंगे, बाद में लॉन्ग सिंथेसिस जो है, जो प्रॉपर सिंथेसिस है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये शॉर्ट, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यहाँ आप देख सकते हैं C33H40N2O9। ये जो भी स्ट्रक्चर है वो रिसिपाइन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये 6 मेंबर जो साइकिल रिंग है उनमें से ये NH और ये N, यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन, यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन, ये दो हिटरो एटम है। ये जो है इंडोल सिस्टम है और ये 1, 2, 3, 4, 5 ये यूबायरिन का स्ट्रक्चर है। ये आप रिसिपिक एसिड का स्केलेटन भी कह सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है और ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ट्राईमिथॉक्सी बेंजोइक एसिड 1, 2, 3 ट्राईमिथॉक्सी एंड COO एंड यहाँ पे H, तो ये क्या हो गया, ट्राईमिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये 3 फॉर्मूला जो है उनको हमें एक साथ कंबाइन करना है। तो रिसिपिक एसिड हमें चाहिए, ये ट्राईमिथॉक्सी बेंजोइक एसिड चाहिए और उसको मिलाने के लिए मिथेनॉल की जो है ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये रिसिपिक एसिड का स्ट्रक्चर है। रिसिपिक एसिड मिथेनॉल के अंदर 3, 4, 5 ट्राईमिथॉक्सी बेंजोइक एसिड की प्रोसेस करेंगे। जो प्रोसेस होगी वो आइसोमराइजेशन होगी और वहां से 1 मोल H2O रिमूव होगा, H+OH-। तो कहां से होगा, यहां आप देख सकते हैं, यहां से जो ये है ये H एंड जो ये H, तो ये जो H और OH जो है ये एक दूसरे के जो है वो अटैच हो जाएंगे। मीन्स यहाँ से OH जो है रिमूव होगा, यहाँ से H रिमूव होगा, या फिर आप ये से कह सकते हैं H यहाँ से रिमूव होगा और OH यहाँ से रिमूव होगा, क्योंकि ये जो है वो यहाँ पर भी रिएक्शन कर रहा है। ये जो CWH फॉर्म है और ये CH3OH है, तो यहाँ से भी H और यहाँ से OH, तो आप बहुत सारे यहाँ से ट्वाइस H2 रिमूव हो रहे हैं। तो यहाँ से जो है एक दूसरे के साथ अटैचमेंट करके जो ट्वाइस मोल ऑफ द H2 रिमूव हो रहे हैं और इस तरह का फॉर्म हमें मिल रहा है। तो देखिए क्या हुआ, फिर से एक बार देख लेते हैं। यहां से जो COOH था उसमें देखिए COO यहां पर है, मींस जो H जो था वो यहां से रिमूव हो चुका है और जो ये O कहां से आया है, तो ये O यहां से आया है। तो जो I जो H है यहां से ये रिमूव हो गया है, तो मींस OHH, यहाँ से O अगर यहाँ कैलकुलेट करते हैं तो ये H प्लस यहाँ से जाएगा, OH माइनस यहाँ से जाएगा, तो माइनस H2O मीन्स COO के बीच बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक एस्टर फॉर्म बनता है, एस्टर। सेकंड थिंग है, यहाँ पे एसिड दिया हुआ है सेम एज एसिड एंड यहाँ पे OH था, यहाँ पे OH था, तो ये जो H प्लस यहाँ से रिमूव होगा और OH माइनस यहाँ से होगा। तो एसिड क्या करेगा, यहाँ से OH और H प्लस रिमूव करके माइनस H2O, क्योंकि रिसिपिक एसिड है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो इस तरह से बनेगा, COO एसिड ऑलवेज H प्लस देता है, मींस रिमूव करता है। तो C डबल बॉन्ड O एंड CH3, तो जो CH3 है वो यहां से अटैच हो जाएगा, मींस OH एंड H यहां से
कैंसिल हो जाएगा, मीन्स यहाँ से आप देख सकते हैं माइनस एच टू ट्वाइस मोल ऑफ द एच टू। तो जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है वो क्या है, रिसरपाइन का है। तो आप देख सकते हैं जो रेड लाइन मैंने दिखाई है वो रेड लाइन क्या है, वो पूरा का पूरा रिसिप्रिक एसिड है, और जो पिंक लाइन जो है वो क्या है, पूरा का पूरा ट्राइमिथॉक्सी बेंजोइक एसिड है, और बीच में क्या है, ओनली फॉर द मीथेनॉल। तो ये वो अटैचमेंट करता है, मीथेनॉल क्या करता है, सिर्फ अटैचमेंट करता है। इस हिसाब से हमें रिसरपाइन का स्ट्रक्चर हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये है रिसरपाइन। तो ये हो गई शॉर्ट सिंथेसिस। अगर आपको शॉर्ट पसंद है तो आप ये लिख सकते हैं या याद कर सकते हैं। अब हम प्रॉपर सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 2,5-diene-1,4-cyclohexane डाइऑन, उसके साथ हम रिएक्शन करेंगे 2,4-dipentanoic एसिड। ये दोनों जो प्रोडक्ट्स है, जो कंपाउंड्स है, इन कंपाउंड के बीच रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन क्या होगी, डाइस अल्डर रिएक्शन, डाइस अल्डर रिएक्शन। तो डाइस अल्डर रिएक्शन में क्या होता है, तो यहाँ से जो पाई सिस्टम होता है, 4-pi सिस्टम एंड 2-pi सिस्टम के बीच में जो है वो साइक्लाइजेशन होता है। मीन्स यहाँ पे 2-pi सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ पे 4-pi सिस्टम दिया हुआ है, तो उन दोनों के बीच में साइक्लाइजेशन होगा और वो एक दूसरे के साथ कंडेंस हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था वो वहाँ पे बॉन्ड जो था वो बन गया। यहाँ पे वन बॉन्ड है, यहाँ पे वन बॉन्ड है, ये जो कार्बन है 1, 2, 3, 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4 यही फॉर्मूला है और डिफरेंस नहीं है, सॉरी 1, 2, 3, 4। और जो सी डब्ल्यू एच है वो कहाँ पे है, वो नीचे है। मीन्स यहाँ जो 5-member रिंग थी पेंटानोइक एसिड था, तो यहाँ पे 5 कार्बन अवेलेबल है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो सिर्फ कंडेंसेशन हुआ है, मीन्स साइक्लाइजेशन हुआ है। आगे देखते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ हम उसका रिडक्शन करेंगे, तो जो कीटोनिक ग्रुप है वो रिमूव होता है और उसके अगेंस्ट क्या होता है, अल्कोहलिक ग्रुप आ जाता है। मीन्स ये जो ओ एच है, मीन्स वो ओ एच यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो जो कीटोनिक ग्रुप है उसका क्या कन्वर्ट होता है, ओ एच ग्रुप में कन्वर्जेशन होता है, और ये जो नीचे वाला वो जो कीटोन है उसका कन्वर्जेशन नहीं होता है, क्योंकि वो एसिड के पास है इसलिए उसका कन्वर्जेशन नहीं होता है। नेक्स्ट रिएक्शन हम करेंगे मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड के साथ, जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने से क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओ एच एज इट इज है, और जो कीटोन है वो भी एज इट इज है, सी डब्ल्यू एच एसिड भी एज इट इज है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था उसके अंदर ये ऑक्सीडेशन होने के बाद ये ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। ओके, ये तो ये साइक्लिक रिंग है जो यहाँ पे अटैच हो जाती है, तो यहाँ से बॉन्ड ये ब्रेक होगा और ये जो है चेन ओपन हो जाएगी और ये ऑक्सीजन बीच में अटैच हो जाएगा। आगे बात करते हैं जो ये सोडियम के साथ हम प्रोसेस करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो क्या होगा, उसमें से 1 मोल ऑफ द वाटर रिमूव होगा और यहाँ से H+, यहाँ से H+ और यहाँ से OH-, आप देख सकते हैं ये OH- और ये H+, ये दोनों रिमूव हो जाएंगे और क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन बचेगा और यहाँ पे सिर्फ कीटोन बचेगा। तो इन दोनों के बीच में जो है अटैचमेंट हो जाता है। तो देखिए O एंड C, यहाँ मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की है, रेड दिखाने की कोशिश की है ताकि आपको पता चल सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं OH जो है रेड दिखाया हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन रेड दिखाया है और यहाँ पे O एंड C रेड है, मीन्स यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, बाकी का जो फॉर्म है वो एज इट इज है। आगे हम रिएक्शन करेंगे एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड के बारे में, तो उसके साथ जो रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन ऐड होता है, तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है। हाइड्रोजन से रिएक्शन में क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन था, जो ऑक्सीजन था ये कीटोन के साथ बाइंड था, तो यहाँ से रिंग ब्रेक हो जाएगी, ये रिंग ब्रेक हो जाएगी, तो क्या वो ऑक्सीजन फ्री हो गया, तो ऑक्सीजन ऊपर की साइड चला जाता है और वो जो है ये इस ऑक्सीजन की रिंग ब्रेक होगी यहाँ से, तो ये यहाँ से ब्रेक होने के बाद ये फ्री हो जाता है, तो ये ऑक्सीजन नीचे आ जाएगा, ये ऑक्सीजन ऊपर चला जाएगा, तो ये और ये दोनों एक साथ बाइंड हो जाएगी, एक कार्बन वाला और ये कार्बन दोनों एक साथ बाइंड हो जाते हैं, तो वो जो है प्रॉपर जो स्ट्रक्चर दिखता है। और जो लास्ट में जो ऑक्सीजन था वो फ्री था, तो उसके अंदर हमने हाइड्रोजनेशन किया हुआ है, H+ दिया हुआ है, तो H+ यहाँ पे अटैच हो जाएगा, मींस इसका OH में कन्वर्जन होगा, OH, ठीक है, इथर जो फॉर्म था, इथर फॉर्म का क्या हो गया, OH में कन्वर्जन हुआ है। और लास्ट में ये जो कीटोनिक ग्रुप था, यहाँ से जो बॉन्ड ब्रेक हुआ था, ये कीटोनिक ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप के साथ यहाँ से एक H+ जो हमने ऐड किया था उसी के साथ ये जो ऑक्सीजन जो है वो
नजदीक है तो ताकि वो उसके साथ रिएक्ट करेगा, तो एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक रिंग बन जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइकिल रिंग यहाँ पे जो कीटोनिक फॉर्म में है। तो यहाँ पे तीन डिफरेंस हुए, वन सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों पोजिशन पे चेंज हुआ है। उसकी हम आगे प्रोसेस करेंगे, -H2O, ये वही स्ट्रक्चर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, तो मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की है, सी डबल बॉन्ड सी एच रेड दिखाया है। आप देख सकते हैं यहां पे जो है वो सिंगल बॉन्ड है और ये साइकिल है, यहां पे सिंगल बॉन्ड है तो उसी के अंदर आप देख सकते हैं ये डबल बॉन्ड हो रहा है। तो हुआ क्या, तो आप देख सकते हैं यहां से एच प्लस, सॉरी यहां से ओ एच, और यहां से जो बीच में एच प्लस है जो साइकिल के अंदर है, यहां पर विजिबल नहीं है पर यहां पर एच प्लस है, और यहां से ओ एच माइनस, तो ओ एच माइनस और एच प्लस क्या हो गया, -H2O, मींस वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है और हमें यहां पे क्या मिल रहा है, सी एच डबल बॉन्ड सी, मींस यहां पे जो जो डबल बॉन्ड जो क्रिएट हो रहा है। हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे सोडियम मिथॉक्सेट के साथ मिथेनॉल की प्रेजेंस में, तो उसमें से क्या होगा, तो वन वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और सोडियम मिथॉक्साइड रिमूव होगा। तो आप देख सकते हैं यहां पे जो पूरा का पूरा फॉर्म था वो एज इट इज है, तो चेंज कहां पे हो रहा है, सिर्फ यहां पे हो रहा है OCH3 ग्रुप अटैचमेंट हो रहा है, मींस जो C डबल बॉन्ड CH था वो एज इट इज है, यहां पे H प्लस था वो रिमूव हो रहा है और उसके स्थान पे क्या आ रहा है, ONA मींस सॉरी CH3O, तो जो CH3O है वो यहां पे अटैच हो रहा है, मींस आप देख सकते हैं -H2O एंड सोडियम मिथॉक्साइड यहां से रिमूव हो रहा है। नेक्स्ट प्रोसेस है NBS ब्रोमिनेशन करेंगे हम इसका, ओके तो जो वाटर मोलिकुल्स होते हैं वो हमें ऐड करने हैं और जो -HBr के फॉर्म में वो रिमूव होगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन था वो एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं है, मिथॉक्सी ग्रुप एज इट इज है, कीटोनिक ग्रुप वो भी एज इट इज है, तो चेंज क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर चेंज हो रहा है, देखिए ये डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हो रहा है, मीन्स ये डबल बॉन्ड था उसमें से सिंगल बॉन्ड बनता है और जो ब्रेक हो रहा है वो यहाँ पे एक रिंग वहां पे जाएगी और एक रिंग यहाँ पे जाएगी, तो उस पोजिशन पे ये ब्रोमीन यहाँ पे अटैचमेंट होता है। तो H2O हमने ऐड किया था, मींस H प्लस एंड OH माइनस, तो H प्लस कहाँ गया, तो H प्लस जो था वो ब्रोमिनेशन, यहाँ Br2 है तो एक Br और एक H प्लस, तो क्या हो गया HBr, और यहाँ पे क्या बचा है, अभी OH- माइनस है और यहाँ पे Br है, तो देखिए OH- माइनस यहाँ पे है और Br यहाँ पे है, तो इस तरह से फॉर्म यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, तो Br और OH जो है वो अटैचमेंट कर रहे हैं। आगे हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन की, तो जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है उसमें एक वन मोल ऑफ द वाटर रिमूव होता है H2O, और ये जो अल्कोहलिक ग्रुप था OH उसका कहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, कीटोन में, तो OH का कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्जन हो रहा है बाय द ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ द क्रोमिक एसिड। अब उसका हम रिडक्शन करेंगे जिंक के माध्यम से, तो जिंक जो होता है उसे हम रिडक्शन करेंगे एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में। तो आप देख सकते हैं कि जो कीटोनिक ग्रुप था एज इट इज है, यहाँ पे Br जो है वो चला गया है और यहाँ पे जो ऑक्सीजन रिंग थी वो ब्रेक हो चुकी है, यहाँ पे OCH3 था वो एज इट इज है और यहाँ जो COOH वो नया बॉन्ड हुआ है। तो हम वन बाय वन चेक करते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो ये जो डबल बॉन्ड था वो यहाँ से ब्रेक हो गया, मीन्स जो रिडक्शन हुआ था इसमें से H प्लस जो है यहाँ पे अटैच हो गए और HBr जो है वो यहाँ से रिमूव हो गया, माइनस ZnBr। अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ से भी जो रिंग यहाँ से ब्रेक हो रही है, यहाँ से रिंग ब्रेक हो रही है, तो यहाँ पे एक H प्लस आएगा जो जो हमने रिडक्शन किया हुआ है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और जो यहाँ पे है वो एक और हाइड्रोजन अटैच हो गया है, तो ये OH बन जाएगा, यहाँ पे H आएगा यहाँ पे OH आएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे OH बन रहा है। एंड लास्ट यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ से रिंग ब्रेक हो रही है, यहाँ से रिंग ब्रेक हो जाएगी, तो COO एंड जो H है वो कहाँ से आएगा, वो रिडक्शन में से आएगा, तो COOH इस फॉर्म से हम एसिड बना सकते हैं, मीन्स जो जो इथरी फॉर्म था उसमें से अल्कोहल कन्वर्ट हो गया है और एक एसिडिक फॉर्म बना है। तो ये जो तीन कन्वर्जन 1, 2 एंड 3, तो इसी में हमें याद रखना है कि 3 कन्वर्जेशन हो रहे हैं, ये यही है। उसका हम CH2N2 के साथ रिडक्शन करेंगे एसिडिलेशन पिरिडीन के साथ, उसमें से एक एसिडिक एसिड का जो मोलिक्यूल्स होता है वो रिमूव होता है। अब यहाँ पे देखिए एक साथ दो रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे जो एसिड था
वो एसिड में से क्या हो रहा है, एस्टर बन रहा है। यहाँ पे जो OH ग्रुप था उसका भी क्या हो रहा है, एस्टर बन रहा है। तो वन बाय वन दो सिंथेसिस हमने की है, तो फर्स्ट क्या होगा, इसका एस्टरिफिकेशन करेंगे और बाद में इसका एस्टरिफिकेशन होगा। तो पहले CH2N2 जो है वो एसिड का एस्टरिफिकेशन करेगा और जो पिरिडीन है वो OH का एस्टरिफिकेशन करेगा एसिडिक मीडियम में। ऑस्मियम ट्राइऑक्साइड के साथ हम प्रोसेस करेंगे, उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और हमें ये प्रोडक्ट मिलेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो OCOCH3 है वो एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर भी सेम है COOCH3, तो चेंज कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे चेंज हुआ है। ये जो डबल बॉन्ड जो था वो ब्रेक हो जाता है, मतलब यहाँ पे एक साइकिल ओपन हो जाती है, यहाँ पे एक साइकिल ओपन हो जाती है और वो क्या होता है, OH में कन्वर्जन हो जाता है ऑस्मियम ट्राइऑक्साइड के साथ OH। नेक्स्ट प्रोसेस है पेराइडिक एसिड के साथ हम ऑक्सीडेशन करेंगे। तो ऑक्सीडेशन करने से क्या होता है, तो यहाँ से रिंग ब्रेक हो जाती है। देखिए ये जो रिंग थी यहाँ पे, ये रिंग, तो यहाँ पे ये रिंग जो थी वो ब्रेक हो गई है, सॉरी OH के बीच में से रिंग ब्रेक हो रही है, OH में से रिंग ब्रेक हो रही है। तो जो OHCOH मीन्स वो एल्डिहाइड बन जाता है और ये OH है वो एसिड बन जाता है और ये जो कीटोनिक ग्रुप था वो एज इट इज में COOH, इस फॉर्म से हमें पता चलता है COOH, और यहाँ से रिंग वहाँ से चेंज हो रही है। तो इस तरह का फॉर्म हमें मिलता है एल्डिहाइड एंड एसिड पर आयोडिक एसिड के माध्यम से। फिर से हम इसका CH2N2 के बारे में प्रोसेस करेंगे, तो ये एस्टरिफिकेशन करेगा। एस्टरिफिकेशन किसका होगा, तो एसिड का होगा। हमने एक बार यहाँ पे देखा था, देखिए जो ये एसिड था उसको CH2N2 के बारे में प्रोसेस की थी तो क्या हुआ था, एस्टरिफिकेशन हुआ था। तो वही प्रोसेस हम फिर से यहाँ पे कर रहे हैं, COOH है उसका CH2N2 के साथ प्रोसेस करेंगे तो वो क्या होगा, एस्टरिफिकेशन करेगा, तो एस्टर बन जाएगा। और उसके साथ हम ये एक नया कंपाउंड ले लेते हैं जो इथाइल अमाइन है, इथाइल अमाइन, और जो इंडोल सिस्टम है, ये इंडोल सिस्टम पूरा का पूरा हम ये कंपाउंड ले लेते हैं, उसका ये नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। इस कंपाउंड को इस कंपाउंड के साथ बाइंड कर देते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन एक साथ जोड़ देते हैं, तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए रेड मैंने दिखाया है कि यहाँ पे जो NH2 है और यहाँ पे जो एस्टर है उन दोनों के बीच में प्रोसेस होगा, तो वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। जो देखिए N डबल बॉन्ड CH के फॉर्म में वो कंडेंस हो जाते हैं, वो अमाइन बनता है, NCH मीन्स अमाइन जो स्ट्रक्चर है वो बनता है। फिर से हम एक बार सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन देखिए यहाँ पे N था तो यहाँ पे क्या होगा, NH मीन्स हाइड्रोजन ऐड हुआ है, यहाँ पे देखिए CH था तो यहाँ पे क्या होगा, CH2 मीन्स वन हाइड्रोजन यहाँ पे अटैचमेंट करता है और सेकंड वन यहाँ पे अटैचमेंट करता है, मीन्स दोनों जो है जो एटम्स वहाँ पे एक एक हाइड्रोजन एडप्ट किया हुआ है NHCH2। नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं हम इसी प्रोडक्ट की, मिथेनॉल यहाँ से माइनस होगा और जो फॉर्म मिलेगा वे इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो ये जो एस्टर फॉर्म था, एस्टर उस एस्टर में से जो COO था वो यहाँ से चला गया, CH3CO NH मीन्स यहाँ पे H+OH आप ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो ये यहाँ से एस्टरिफिकेशन था वो एसिड में कन्वर्जेशन हो रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे हम इसी प्रोडक्ट की, POCl3 और सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो POCl3 क्या करता है, वो कंडेंसेशन करता है, वो ट्राइजिशन चेंज करता है फॉर्म में, और जो सोडियम बोरोहाइड्राइड वो क्या करता है, वो रिडक्शन करता है। तो एक साथ दो प्रोसेस यहाँ पे दी गई है, तो दोनों प्रोसेस के बाद जो क्या हुआ, यहाँ पे जो है वो रिंग बन रही है, इस COOH और ये CH2 एक दूसरे के साथ बाइंड हो रहा है। तो देखिए आप ये नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन एज इट इज है, ठीक है, ये जो CH2 है ये यहाँ पे दिखाया गया है CH2, और ये जो साइकिल है मतलब CH2 से आप कैलकुलेट करते हैं, ये उसको वन नंबर देते थे, 1, 2, 3, 4 एंड 5 नंबर पर ये COOH था। तो देखिए CH2 यहाँ पे है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो COOH कहाँ चला गया, यहाँ पे, तो ये जो कार्बन है वो क्या है, ये COOH का कार्बन है ये वाला, और ये हमें ऐसे सिंगल बॉन्ड बनाता है और साइक्लाइजेशन करता है। इस तरह से हम इसका रिडक्शन कर रहे हैं और साइक्लाइजेशन कर रहे हैं। फिर हम बेसिक मीडियम में उसका रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, इस वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कीटोनिक ग्रुप दो आ रहे हैं यहाँ पे,
जो बाकी का फॉर्म है उसमें कोई चेंज नहीं है, जो नीचे का जो फॉर्म था उसमें थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है। तो जो ओ सी एच थ्री था उसमें से क्या हो गया है, वो एसिडिलेशन हो रहा है, ठीक है, एसिडिलेशन हो रहा है। और जो ये एस्टर था, एस्टर में से क्या बन रहा है, मिथॉक्सी ग्रुप बन रहा है। तो ये सॉरी ये थोड़ा चेंज हो गया है, ये एसिडिलेशन, ये मिथॉक्सी और एस्टर, तो एसिडिलेशन, मिथॉक्सी और एस्टर, तो ये तीनों में कोई चेंज हो नहीं रहा है, यहाँ पे हमें चेंज करना है। तो सोडियम मिथॉक्साइड की सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करेंगे, तो NaOH जो है उससे H प्लस और OH माइनस जो होता है बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होता है। तो बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं CO और यहाँ से ये, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो गया है, OCH3 के रिएक्शन होता नहीं है। तो जो ये एस्टर फॉर्म है और ये जो एसिडिलेशन फॉर्म है उन दोनों के बाद में रिएक्शन होता है, तो इस प्रकार के हमें इलेक्ट्रॉन फॉर्म मिलता है। उसी के हम आगे बात करेंगे, तो मिथेनॉल के प्रेजेंस में हम प्रैक्टिकल करेंगे, इसके रिडक्शन करेंगे। तो जो प्रोसीजर होगी वो इस तरह से होगी, तो जो चेन है वो ओपन हो जाएगा। फिर से एक बार देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे यहाँ जो है रिंग है यहाँ से ब्रेक हो जाएगी और ये जो मिथेनॉल है वो इन दोनों के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्शन करने के बाद वो जो है सी डबल एच ओ एच में कन्वर्जेशन जाता है। मीन्स हमने पहले इलेक्ट्रॉन रिंग क्रिएट की थी और फिर इलेक्ट्रॉन रिंग कैंसिल की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब ओपन चेन थी तब क्या था, एसिडिलेशन ग्रुप था और यहाँ पे एस्टर ग्रुप था, मीन्स एसाइल एंड एस्टर, और हमने इलेक्ट्रॉन रिंग क्रिएट की थी और फिर से मिथेनॉल के प्रेजेंस में उन्हें ये जो इलेक्ट्रॉन रिंग थी वो हमने ब्रेक की है, तो ओ एच और एसिड में हमें कन्वर्जेशन मिलता है। डीसी के हम फिर से एक बार प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा, फिर से एक इलेक्ट्रॉन रिंग बन जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से H प्लस चला जाएगा, यहाँ से OH माइनस चला जाएगा, माइनस H2 हो जाएगा और माइनस H2 होने के बाद जो O है और यहाँ पे CO है इन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन रिंग फिर से क्रिएट हो रही है। तो हमें उसको फिर से एक बार तोड़ना है, तो फिर से एक बार मिथेनॉल के साथ हम प्रोसेस करेंगे, तो इसे चेंज करेंगे तो क्या होगा, फिर से एक बार में OH हो जाएगा, OH आप देख सकते हैं यहाँ पे OH था तो OH आ रहा है और यहाँ पे जो CO था कीटोनिक ग्रुप था वहां जो है मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है, मतलब OCH3 यहाँ पे ऐड हो जाता है, तो क्या होगा, एस्टर में कन्वर्जेशन हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे एसिड में कन्वर्जेशन होगा, अब क्या हो रहा है, एस्टर में कन्वर्जेशन हो रहा है। तो ये दोनों है वन बाय वन हमें याद रखना है कि पहले इलेक्ट्रॉन रिंग बनानी है और फिर से उसे ब्रेक करना है, तो ऐसे दो स्टेप रिएक्शन है। अब ये जो फाइनल जो OH ग्रुप है उसके साथ हम रिएक्शन करेंगे और जो आइसोमराइजेशन प्रोसेस है मिथेनॉल के प्रेजेंस में, और जो मेन कंपाउंड है वो क्या है, ये है ट्राई मिथॉक्सी, जो पहले वाले सिंथेसिस में क्या लिया था, ट्राई मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, ट्राई मिथॉक्सी बेंजाइल क्लोराइड, ट्राई मिथॉक्सी बेंजाइल क्लोराइड, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर रिटर्न है ट्राई मिथॉक्सी बेंजाइल क्लोराइड। तो ये जो रिएक्शन है HCl- माइनस एंड H+, तो यहाँ से क्या होगा, तो माइनस HCl, यहाँ से H+ और Cl- रिमूव होगा और दोनों में कंडेंसेशन हो जाएगा, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे और फिर हम देख सकते हैं यहाँ पे ये मैंने रेड दिखाने की कोशिश की है, तो जो कीटोनिक ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, तो जो है यही है CO, जो CO है वो ये है और जो ऑक्सीजन का जो ये O है OH का O ये है, तो उन दोनों के बीच में से क्या रिमूव हो गया, एच प्लस Cl- माइनस, तो यहाँ पे हो गया HCl और ये दोनों ग्रुप है वो एक दूसरे के साथ अटैच हो गए। तो इस तरह से हम रिसर पैन का स्ट्रक्चर प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो फाइनल स्ट्रक्चर है रिसर पैन का, उसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो C33H40N2O9 है और हमने आगे वाले वीडियो में भी इसे प्रूव किया था, यूबायरिन और रिसरपिक एसिड के बारे में बात की थी और उन दोनों के बारे में बात करने के बाद हमें पता चला कि रिसरपाइन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है और ये जो भी है वो फाइनल रिसरपाइन का स्ट्रक्चर है, तो हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम ये वीडियो रखते रहे, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि आपको जो नेक्स्ट आने वाले वीडियो है वो इंस्टेंटली आपके साथ पहुंच सके। थैंक यू।